नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। चुनाव नवंबर में, लेकिन अभी से अमेरिका में सियासी तलवारें खिंच चुकी और रिपब्लिक और डेमोक्रेट एक दूसरे को घेरने में जुट गए। इसी कड़ी में राष्ट्रपति ट्रंप के लिए एक बुरी खबर आई। फॉक्स न्यूज के जनमत सर्वेक्षण में यह अनुमान जताया गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार एवं पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन को व्हाइट हाउस की दौड़ में देश के मौजूदा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले 12 अंकों की प्रभावशाली बढ़त मिलने का अनुमान। फॉक्स न्यूज के अनुसार अधिकतर मतदाताओं ने नस्लवाद, बेरोजगारी और कोरोना वायरस वैश्विक महामारी को देश की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा बताया। वैश्विक महामारी के कारण महीनों तक निलंबित रहा चुनाव प्रचार पुनः पटरी पर लौट रहा है। ऐसे में फॉक्स न्यूज ने कहा कि बाइडेन को ट्रंप के खिलाफ मिलने वाली अनुमानित बढ़त का अंतर और बढ़ गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले महीने तक बाइडेन को ट्रंप के मुकाबले 8 अंकों की बढ़त मिलने का अनुमान था, जो अब बढ़कर 12 अंक हो गया। फॉक्स न्यूज के अनुसार 13 से 16 जून तक किए गए सर्वेक्षण के अनुसार करीब 50% लोगों ने बाइडेन का और 38% लोगों ने ट्रंप का समर्थन किया। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले अधिकतर लोगों ने कहा कि नस्लवाद, बेरोजगारी और कोरोना वायरस संक्रमण देश की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। तो आप समझ सकते हैं कि बड़बोले ट्रंप के लिए ये चुनाव काफी परेशानी भरा होने वाला है। वैसे आपको बता दें कि ये अभी शुरुआती सर्वेक्षण है, इसके बाद काफी और सर्वेक्षण होंगे और अंत में वोटिंग, और उसमें अगर कोई विजेता होता है तो वो व्हाइट हाउस में रहने का हकदार होगा। तो समय अभी बाकी है और इस सर्वेक्षण से ट्रंप को थोड़ा टेंशन तो जरूर होगा, लेकिन मेहनत करने की जरूरत है।